Hello students, we will continue the hard and soft acid and bases. This is a lecture correlate to previous lecture in which we studied that what is hard and what is soft. इसमें जो है हम फिर से बताना चाह रहे हैं कि जो हमने बताया था कि पूरा का पूरा कि क्यों हम जो हार्ड और सॉफ्ट यानी मृदु और कठोर अम्ल और क्षार को पढ़ रहे हैं वो पहले वाले लेक्चर से बताया था, उसको आगे कोऑर्डिनेट करते हुए अब इस लेक्चर को हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आयरलैंड ने आपके 1958 में डेविस ने और चैट ने इन सब ने मिलकर के जो है एक समूह ए और समूह बी की अवधारणा रखी. उस समूह ए और समूह बी जो है वो हमें ये बताने में कामयाब रहा कि कौन सा संकुल ज़्यादा स्थायित्व को ग्रहण करेगा, कौन सा जो बंधन है वो ज़्यादा मजबूत बनता है. दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज ऑसम. बट कुछ चीज़ें हैं जो इंटरमिक्स हो रही थी समूह ए समूह बी नाम देने में, तो उसको फिर पियर्सन ने बड़े समझदारी से जो है क्या नाम दे दिया, मृदु और कठोर. ओके, तो आयरलैंड क्या कहना चाह रहा है, आयरलैंड चैट और डेविस उनके साथी जो है कहना चाह रहे हैं कि जो भी सारे धातु आयन है या सारे मृद धातु आयन है या फिर आपके बोरोन एल्युमिनियम सिलिकॉन के संबंधित जो आयन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, समूह ए में रखे जाएंगे. समूह ए में ही उच्च आवेश वाले हल्के संक्रमण धातु आयन रखे जाए, उच्च आवेश वाले हल्के यानी टाइटेनियम जैसे क्रोमियम Fe3+ उच्च आवेश वाले होने चाहिए, वो सारे के सारे समूह ए में रखे जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद में H+ जो है ये सारे के सारे जो हल्के हैं वो सारे के सारे रखे जाएंगे. और शर्त रखी इन्होंने कि जो भी आपके हल्का होगा छोटा आकार का होगा या फिर उसका आवेश उच्च होगा या फिर उसका ध्रुवण जो है वो कम होगा या उस पर रखा गया, और साथ ही साथ जो है ये बताया गया कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल है या उनके जो जो बाहर के जो है वो संयोजकता कोष में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या यदि ज़्यादा है तो भी ये है समूह ए में ही रखा जाए. थोड़ी सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बट इसको थ्योरेटिकल रूप में सोचना मत, इसको प्रैक्टिकल रूप में देखने की कोशिश करना. अपन खूब क्वेश्चन करेंगे इसके और बताएंगे किस प्रकार से जो है ये हमारा कितना काम का है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में इसके आते हैं. तो लेट्स गो फॉर द बेस्ट परसेंटेज. व्हाट इज दैट की व्हाट इज सेइंग दैट द ऑरलैंड चैट और डेविस. देखिए इस प्रकार उच्च आवेश वाला हो गया, हल्के हो गए आसानी से, ये पढ़ लिया तो ये सारे सारे जो है समूह ए में रखे गए. और समूह ए में ही एक चीज़ और रखी गई, लिगेंड समूह, लिगेंड ए. लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो आयन नेगेटिव चार्ज या फिर वो क्षार जो कि अम्ल को इलेक्ट्रॉन देते हैं. जितने भी धातु हैं वो सभी क्या है, धनावेश थे और सभी क्या लगभग अम्लीयता को दर्शाती है. इसी तरह से जितने भी आपके लिगेंड जो कि हमारे जैसे अमोनिया हो गई, आपके फोस्फिन हो गया, H2 हो गया, सल्फर फ्लोराइड आयन, ये सब क्या है, दिस इज द डोनेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो सारे हैं और ये जो सब लिगेंड कहलाते हैं. तो इस प्रकार हमने कहा कि समूह ए के अंदर हमारे पास संक्रमण धातुएं रखी, ठीक है, और उसी में ही लिगेंड ए नाम दिया गया. उस लिगेंड ए में वो लिगेंड रखे जो कि इन धातुओं के साथ में अधिक मजबूत बंध बनाते हैं, जैसे कि एमोनिया टर्शियरी एमीन होगी, H2 हो गया, फ्लोराइड होगी, फ्लोराइड होगी, ये सब क्या है, दिस द इट इज कॉल्ड. हम जो पेयर्सन की बात करेंगे, जब हम इन सभी चीजों क्या कहेंगे, क्षारीय कठोर, कठोर क्षार का नाम देंगे इन सबको, ठीक है. और ये जब धातुएं जो बताई गई है इसे कठोर अम्ल का नाम देंगे, ठीक है, वो चीज पियर्सन बताएगा. तो इस प्रकार से जो है ये चीज आई, तो इन्होंने बताया कि आयरलैंड समूह ए आया, तो इसके अंदर ये चीजें आ गई आपके सबके. उसके बाद में ये जब चीजें इनके साथ में जो धातु है B+2 Ti+2 ये धातु लिखी इनके साथ में ये संकुल बनाते हैं
और संकुल बनाने के बाद इस प्रकार से टी आई जैसे कि आपका एफ के साथ में ये बना रहा है तो टी आई एफ फोर सॉरी टी आई एफ फोर बन गया। तो ये जो चीज है ये सीधा हो गया क्या कठोर यानी कठोर और मजबूत बंध वाला संकुल का निर्माण हो गया। तो इस संकुल का निर्माण जो है या फिर हम कह सकते हैं कि स्थायित्व को समझाने के लिए उसके संकुल निर्माण के योगी को जो योगी के संकुल है उनके स्थायित्व को समझाने के लिए ये आयरलैंड का जो कॉन्सेप्ट था समूह ए और समूह बी बहुत ही कार्यकारी था काफ़ी हद तक इस चीज़ को बताया गया। तो इस प्रकार से ये चीज़ आ गई। फिर उन्होंने बताया कि जो लिगेंड है उस लिगेंड का भी उन्होंने ऑर्डर बताया कि जो लिगेंड बने हैं जो लिगेंड संकुल बनाएगा उस संकुल का ऑर्डर क्या होगा व्हाट इज द ऑर्डर इन द योर प्रोडक्ट टेबल। आपके जो प्रोडक्ट टेबल है जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल है ठीक है ना आवर सारणी है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है इसका क्रम क्या होगा कि नाइट्रोजन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड इट विल बी सेज दैट अच्छा है। उसके बाद फॉस्फोरस है फिर आर्सेनिक है फिर स्टिलबिन है फिर ऑक्सीजन फिर इसके बाद सल्फर ऐसी ये तो ये चीज़ें उन्होंने बताया कि इससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा हार्ड है इससे ज़्यादा ये है इससे ज़्यादा ये है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट रखा गया और उसके अंदर समूह एक धातुएं रखी गई हल्की धातुएं और ये जो है सारी मृदा धातु धातु आयन सारी मृदा धातु आयन सारी धातु आयन सब इस चीज़ इसके अंदर कॉन्सेप्ट में आई और इस समूह के अंदर इस ग्रुप्स के अंदर रखे और वो लिगेंड कौन कौन से रखे ये रखे और लिगेंड के साथ में ये मिलकर के क्या बनाते हैं एक मजबूत बंध का निर्माण करते हैं जो इस समूह के अंदर आते हैं वो आपस में एक संकुल अच्छे संकुल का एक स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। ये हमारे आयरलैंड सैट और डेविस ने बताया। आगे चलते हैं समूह बी के लिए। ये सबने उतार लिया लिख लीजिए इसको या फिर उतार लीजिएगा ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही काम की चीज़ है। इसी तरह से शर्त जो है हम अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में क्या रखा गया भाई ग्रुप बी में देखिए ग्रुप बी के अंदर जितने भी संक्रमण धातु है उसको रखी गई। संक्रमण धातु कौन कौन सी जैसे कि हम बात कर सकते हैं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली संक्रमण धातु निम्न ऑक्सीकरण वाली संक्रमण धातु धातु इसको रखी गई ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर क्या रखा गया और जैसे कि और दूसरे जैसे कि एजी प्लस हो गया Hg2+ हो गया वेरी गुड Hg2+ है और एक एग्जांपल PbPd2+ Pt2+ ये सब चीज़ें हैं वो आपके समूह बी के अंदर रखे गए ये जो है वो समूह बी के अंदर हमारे पास आएंगे ठीक है। और ये समूह बी वाले जो है वो कौन सी वाले लिगेंड के साथ में स्ट्रॉन्ग बंध बनाएंगे उन्होंने लिगेंड का क्रम बताया कि जो आपके कौन कौन से होते हैं कि फॉस्फोरस फॉस्फीन है ना जैसे PR3P और इस प्रकार से R2S ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हमारे थायोइथर हो गई और HG ये सब चीज़ ये जो है आपके लिगेंड्स ये लिगेंड्स इनके साथ में मजबूत बंध बनाते हैं ठीक है। और इन लिगेंडों का ये सारे अपने वो कहलाए जो क्या थे संक्रमण धातुएं मतलब अम्ल है और इससे नीचे जो फॉस्फीन और ये चीज़ बता रहे हैं वो सारे क्या है इस प्रकार से H2S जो है इस प्रकार से दूसरा चीज़ और बताया जैसे कि अपने पास अमोनिया है एमिनी सब तो स्ट्रॉन्ग हो गए। इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिगेंड बी कहलाएंगी ये समूह में तो धातुएं थी और धातुएं बी कहलाएंगी ये सारे अम्ल है और ये सार है और दोनों मिलकर के ये बनाते हैं। और इसके लिए शर्तें क्या होगी शर्तें पहले वाले की जैसे उल्टी होंगी उल्टी मतलब इसमें आवेश कम होता है आकार बड़ा होता है इनका जो आई माइनस जैसे और वाले और बताता हूँ आई माइनस है हुआ है और इससे पहले अपने देखा था CS+ हो गया ये सब क्या है इस CS+ में CS+ हो गया बहुत सारी चीज़ देखेंगे तो ये चीज़ ये सब क्या है ये सब हमारे लिए एक बता रहे हैं कि जिनका शर्त में हमने बताया कि जिसका आकार बड़ा हो आवेश कम हो उसका इजीली जो है ध्रुवण हो जाए ठीक है और वो जो है
अक्रिय गैस विन्यास को धारण नहीं करेंगे, वो सारे के सारे समूह ए के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे बता दिए मैंने शर्तें हैं कि शर्तें जिस पहले वाले की उल्टी होगी, आकार क्या हो, आकार बड़ा हो, आवेश कम हो और ध्रुवण जो है इसका ज्यादा हो, और अक्रिय गैस विन्यास को धारण नहीं करें। ठीक है ना, और वो सब चीजें क्या आएगी, समूह बी के अंदर रखेगी। बाद में पियर्सन साहब आए और पियर्सन साहब ने समूह ए और समूह बी को अलग अलग नाम में बांट दिया, और जो भी आपके इसके अंदर रखे गए आपके मृदु या कठोर अम्ल, तो कठोर अम्ल समूह ए के जो ऊपर वाले हमने कौन बताई थी शर्तें, वो सब कठोर अम्ल में आ जाएंगे। अब उसके अंदर कठोर क्षार वो आ जाएंगे जो हमने बताया H2O है, अमोनिया है, उससे कहा जाएगा। इसी प्रकार समूह बी के अंदर ये सारी चीज किसके अंदर आ जाएंगे, मृदु अम्ल के रूप में आएंगे। और ये जो लिगेंड्स इस प्रकार दिखाई देंगे सब क्या आएंगे, हम एक टेबल बना लेंगे बाद में, अगले लेक्चर में एक टेबल बना के मैं सारा दिखा दूंगा। देखो पियर्सन जब पढ़ लेंगे जब, तो इस प्रकार से ये सब क्या आएगा, मृदु सारे लिगेंड जो है ये मृदु क्षार कहलाएंगे, और ये इनकी शर्तें होंगी वो हमने देखा है। और इस तरह से इसका एक ऑर्डर भी इन्होंने बताया कि नाइट्रोजन और ये आर्सेनिक हो गया, और इस प्रकार से ओ आपका है ओ से इस प्रकार से, और इस प्रकार से और इसमें लिख रखा है फ्लोराइड FCl Br और आयोडीन, और इस प्रकार से जो है इनका ऑर्डर जो है लगभग इस प्रकार से बताया गया है कि इनका, इससे हम सॉफ्ट के बारे में बात करें या फिर इसके अंदर जो ऑर्डर की बात करें, जो ये जो लिगेंड जो होंगे वो इनके साथ में मजबूत बंध कौन से बनाएंगे, किस ऑर्डर में बनाएंगे, उसके लिए इसमें लिख रखा है ये और इस प्रकार से बताया गया है। फिर उसके बाद में ये बताया गया ये ऑर्डर है, ये लगभग बराबर है, फिर ये ऑर्डर इसमें रहता है आयोडीन माइनस यूर माइनस, ये सब चीज़ें आयोडीन पहले आती है, उससे पहले वाले बी ए में क्या था, आयोडीन सबसे लास्ट में थी, और इस समय आयोडीन जो है वो मृदु क्षार का काम कर रही है। ठीक है, और इसका पोलराइजेशन यानी ध्रुवण बहुत अधिक हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये सब मिलकर के ये इसके साथ में क्या बनाएगी, यानी AgI जो है हमारा मृदु अम्ल मृदु क्षार ठीक है, और मृदु अम्ल क्षार वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, इसी प्रकार से PD है, CSI है, मृदु अम्ल मृदु क्षार हो गया। तो वो मृदु क्षार मृदु अम्ल कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। तो पियर्सन बस इन सब चीजों को समूह ए और समूह बी में बांटा, और पियर्सन ने जो है इनको वापिस से किसमें बांट दिया बताइए, मृदु अम्ल और मृदु क्षार, कठोर अम्ल कठोर क्षार में। समूह ए के अंदर जो कि आयरलैंड ने बताया उसमें कठोर वाला है, इसलिए पहले कठोर अम्ल वाले तनायन जो भी आएंगे धातु का सारी बड़ा धातु और जो भी है, और फिर जो है उनके उसके लिगेंड जो है वो कहलाएंगे हमारे क्या, कठोर क्षार कहलाएंगे। समूह बी के अंदर ये सारे क्या कहलाएंगे, कठोर क्या कहलाएंगे, मृदु अम्ल कहलाएंगे, और ये नीचे वाले जो है ये सब कहलाएंगे मृदु क्षार कहलाएंगे। इस प्रकार से मृदु के साथ में क्षार के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अगले इसमें पियर्सन को पढ़ेंगे और पियर्सन क्या कहता है, क्या कॉन्सेप्ट लेके आया उसके बारे में देखेंगे, और एक टेबल बना करके ढंग से इस चीज़ को अपन को समझना है, रटना है। इससे संबंधित दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं पास नंबर का। थैंक यू सो मच। स्टे होम स्टे सेफ।